प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव समेत 35 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव समेत 35 अज्ञात के खिलाफ पहाड़पुर साहिबापुर निवासी विजय प्रताप सिंह ने मारपीट और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। कौन लोग आपके घर पे आए थे और क्या बवाल किया? जी, हम अपने बरामदा बैठे रहे और बोल 25-30 आदमी के साथ गाड़ी से 6 साल पहले यहाँ हम रामायण पढ़ रहे, सवेरे गए उठ गए कि रामायण पढ़ रहे आए तो कहा थे कि तू साले जो है मादर जो जो ना है हमारा रोड नहीं ना दिलावत और तू जो ना है योगी का दिलावत। हम योगी भक्त है, योगी महाराज हमारे भक्त है, हम उनके पूजा करी थी, हमेशा पूजा करी थी, हमारे फोटो रही वो फोटो और दीपक जलाई थी हमेशा, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बन तब से हम जलाई थी हाँ हमारे फोटो उठा ले गए, हमारे दीपक पीतल के राह उठा ले गए, आपके तो तमाचा मरबो बहन। तो क्या जो योगी जी की फोटो रखी थी उसके साथ भी छेड़छाड़ किए लाते थे जूता तक चलत मैंने उठा ले गए? कहाँ अपने साथ ले गए? साथ उनके साथ जो उनका अर्ज करता रहे ने तो तमाचा मरबो बहन उनका कहीं साले वोट दिलावा किसके पक्ष में वोट डाले? भाजपा के पक्ष में। हम भाजपा समर्थक है, हमसे जनसत्ता से वो सब साइकिल से नहीं ना, हम 5 साल से जब से मुख्यमंत्री बने ना करे पहले से हम भक्त है योगी जी के। तो आपके साथ मारपीट की? हमारे साथ मारपीट करें, फिर उसके बाद पुष्पेंद्र सिंह है उनके यहाँ उनके घर में घुस गए। वही बीती रात ही राजा भैया समेत अन्य लोगों के खिलाफ गुलशन यादव के एजेंट की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है। पीड़ित ने बताया, पीड़ित विजय प्रताप सिंह ने गुलशन यादव पर आरोप लगाते हुए बताया कि 27 फरवरी को लगभग 10:45 सुबह मैं अपने घर के बरामदे में बैठा था, तभी अचानक गुलशन यादव अपने 30 से 35 साथियों के साथ आकर बरामदे में घुसकर अपने पक्ष में मतदान न करने का कारण पूछा तो हमने बताया कि गांव की सभी जनता और हम लोग भी स्वतंत्र हैं, अपने मन से मतदान करेंगे। इस बात से नाराज होकर उनके साथ जो व्यक्ति आए थे वह लाठी डंडे से लैस थे और उनकी बात न जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे घर में घुस गए और मेरे घर में काफ़ी तोड़फोड़ की। मेरे घर में लगी प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो को भी तोड़ डाला और अपने जूतों से रगड़ा और उसके साथ फ्रेम में लगे पीतल और दीपक का सामान अपने साथ उठा ले गए। काफ़ी शोर शराबा होने पर गाँव के सभी लोग इकट्ठा हो गए जिसके बाद मेरी जान बच सकी।